दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जिसे दुनिया की सबसे खुफिया बिल्डिंग कहा जाता है, जिसने स्क्रिप्ट लिखी थी वर्ल्ड वॉर 2 की। और इसके अलावा सोवियत यूनियन के डिसॉल्यूशन से लेकर कोरिया वॉर तक की, आसान भाषा में अगर कहें तो जहां कहीं भी अमेरिका दखल देता है उन सब की स्ट्रेटेजी इस बिल्डिंग में बैठ कर तय की जाती है। इस बिल्डिंग का नाम है पेंटागन। आज हम बात करेंगे इस बिल्डिंग की खासियत को लेकर कि कैसे यहां पर काम होता है, कौन कौन यहां पर काम करता है, ये बिल्डिंग बाकी बिल्डिंग से क्यों इतनी खास है, किन लोगों को इस बिल्डिंग में दाखिले की परमिशन है, किन वजहों से ये बिल्डिंग अचानक चर्चा में आई थी। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों पहले ही समझते हैं कि आखिर ये पेंटागन है क्या। दरअसल अमेरिका के वर्जीनिया में मौजूद इस बिल्डिंग को अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स कहा जाता है। इस आलीशान और खुफिया इमारत में करीब 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके डिजाइन की तो अमेरिकन आर्किटेक्ट जॉर्ज बर्ड स्टॉर्म ने इसे खुफिया बिल्डिंग के नक्शे को तैयार किया था। 14 जनवरी साल 1943 में इस बिल्डिंग को बतौर ऑफिस खोला गया था। इस बिल्डिंग में अमेरिका की तीनों सेनाएं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स काम करती हैं और डिफेंस से रिलेटेड तमाम बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। दोस्तों बता दें कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब $83 मिलियन का खर्च आया था। जी हाँ, पेंटागन का कंस्ट्रक्शन 29 एकड़ की जमीन पर हुआ था और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग थी। इसके अंदर करीब 28 किलोमीटर के गलियारे हैं, लेकिन इसका डिजाइन इस अंदाज में बनाया गया था कि बिल्डिंग के अंदर एक गलियारे से दूसरे गलियारे तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट का ही वक्त लगता है। वहीं इसके 5 एकड़ में सेंट्रल कोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ था और इसका पार्किंग पॉइंट 67 एकड़ में फैला हुआ है। जी हां दोस्तों, जिसमें एक साथ 8700 गाड़ियां रखी जा सकती हैं। पेंटागन के वर्कर्स के लिए एक शॉपिंग सेंटर के बेसमेंट में बस और टैक्सी टर्मिनल भी मौजूद है और यहां से इसके वर्कर्स काफी आसानी से मेट्रो तक पहुंच जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया था उस वक्त वो एरिया रेत और दलदल से भरा हुआ था। लिहाजा इस पूरे एरिया को बराबर करने और दलदल को खत्म करने के लिए करीब 4.2 मिलियन क्यूबिक मीटर गंदगी को यहाँ पर डाला गया था और फिर बिल्डिंग की नींव को मजबूत करने के लिए 41,492 कंक्रीट को ढेर लगाया गया था। इसकी ऊंचाई सिर्फ 77 फीट ही रखी गई है, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिसंबर 1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हमले के बाद अमेरिका को मजबूरन एंट्री करनी पड़ी, उसके बाद इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी शुरू कर दिया गया था और करीब 13,000 से ज्यादा मजदूरों ने दिन रात इसमें काम किया था। उस वक्त पेंटागन का जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन करना जरूरी हो गया था क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई थी। करीब 8 महीने दिन रात की मेहनत के बाद उस वक्त के अमेरिका रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी हेनरी स्टिमसन ने अपने ऑफिस को नई बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस बात पर फैसला किया जा रहा था कि पेंटागन को किसी अस्पताल में बदल दिया जाए, लेकिन इस बीच अमेरिका और रूस के बीच शुरू हुए कोल्ड वॉर की वजह से ये इरादा छोड़ दिया गया। साल 2001 में जब पेंटागन कंस्ट्रक्शन के 60 साल पूरे हो रहे थे, उसी साल अमेरिका पर अलकायदा ने सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक किया था और उस दौरान एक प्लेन को पेंटागन से भी टकराया गया था, जिससे बिल्डिंग के साउथ वेस्ट की ओर का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था और इस हमले में आतंकवादियों समेत करीब 189 लोग मारे गए थे। हालांकि एक साल के अंदर काफी हद तक वहां मौजूद डैमेज पोर्शन की मरम्मत करवा दी गई थी, जिसके बाद एक्सपर्ट का कहना था कि अपनी बनावट की वजह से ही पेंटागन को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया था। हमने वीडियो के बीच में बताया था दोस्तों कि आलीशान बिल्डिंग की ऊंचाई 77 फीट ही रखी गई थी। इसके पीछे एक कहानी काफी रोचक है, वो इसलिए क्योंकि पेंटागन को बनाने के लिए सबसे पहले एलिंगटन फार्म को चुना गया था जो पेंटागन के आकार का था, लेकिन बाद में इसके मैन्युफैक्चरर्स ने पाया कि इसमें अर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान और वॉशिंगटन का व्यू ब्लॉक अर्चन पैदा करेगा। और फिर उस समय 5 एंगल्स वाला फिक्स्ड साइज तय हो चुका था, जिसके लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी थी। इन सारी मुसीबतों को देखते हुए बाद में एक नई साइट होवर फील्ड्स को चुना गया, क्योंकि पहले से साइज तय था इसलिए इसको बदला नहीं गया। इसी वजह से इसकी ऊंचाई 77 फीट पर आकर रोक दी गई थी। शुरू से इस वीडियो में इस बिल्डिंग की खासियत के बारे में जानकर आप भी यही सोचते होंगे दोस्तों कि इतनी हाईटेक बिल्डिंग में काम के तरीके, वहां मौजूद अमेरिका खुफिया एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स और ना जाने कितनी सारी चीजें सिक्योर होंगे। लेकिन अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की होगी। दरअसल
यूएस डिफेंस के कुछ जरूरी और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पेंटागन ऑफिस के सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। इसे लेकर वहां की सरकार में खलबली मच गई। हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही थी कि आखिर इतनी सिक्योर बिल्डिंग से कैसे इतने सीक्रेट डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर लीक हो सकते हैं। इधर पेंटागन में काम करने वाले ऑफिसर्स ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात की रिव्यू कर रही हैं कि आखिर कैसे गवर्नमेंट के सबसे सेंसिटिव सीक्रेट बाहर आ गए और दर्जनों कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली एक्सपोज हो गए। उधर बार बार वहां मौजूद ऑफिसर्स की तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए, जिनमें से एक ने बताया कि इंक्वायरी ऑफिसर पता लगाने में जुटे हैं कि वो कौन से ऐसे लोग हैं और कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को एक्सपोज करने की कैपेसिटी हो सकती है, क्योंकि ये काम इतना आसान भी नहीं था जितना इसे सोचा जा सकता है। इतनी हाई सिक्योर बिल्डिंग से इस तरह के काम को अंजाम देने वाला या तो कोई शातिर आदमी होगा या फिर कोई ऐसा ग्रुप जिसे वहां से जुड़े कुछ अहम सुरागों को जानने में दिलचस्पी हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2013 में अमेरिका में विकीलीक्स पर हजारों दस्तावेजों के लीक होने का आरोप लगा था, लेकिन विकीलीक्स के दस्तावेजों के मुकाबले पेंटागन से लीक हुई यूएस गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन ज्यादा नुकसानदायक लीक साबित हो सकती थी। अब विकीलीक्स का नाम आने पर हमें वो बातें भी याद आ जाती हैं जब इंडिया की आइडेंटिटी पर उसने एक सीक्रेट को उजागर किया था, इसलिए विकीलीक्स को लेकर अमेरिका इतना टेंशन में रहता है जितना वो पेंटागन के डेटा लीक को लेकर था। दरअसल इंडिया की आइडेंटिटी आधार के डेटा को लेकर विकीलीक्स की एक रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उसने उस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA साइबर जासूसी के लिए एक अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी जिसे क्रॉस मैच टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है उसका यूज कर रही है। इस टूल में इंडिया की आइडेंटिटी आधार का डेटा शामिल हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद से इंडिया के ऑफिशियल सोर्सेज ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। दरअसल क्रॉस मैच टेक्नोलॉजीज आधार के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI को बायोमेट्रिक डेटा के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाता है। विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि CIA ने एक्सप्रेस लेन नाम की एक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। बता दें कि यह डिवाइस क्रॉस मैच टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है, इसी वजह से यह दावा किया गया दोस्तों कि CIA ने आधार में सेंध लगाई है। रिपोर्ट में लिखा है कि CIA एजेंट्स रियल टाइम में आधार डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। इस दौरान विकीलीक्स ने एक ट्वीट भी किया था कि क्या CIA के जासूस पहले से ही इंडिया के नेशनल आइडेंटिटी लेटर का डेटाबेस चोरी कर चुके हैं। इसके बाद एक और ट्वीट में लिखा कि क्या CIA ने भारत का आधार डेटाबेस चोरी कर लिया है। अब इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया के आपसी रिलेशन में दरार आने लगे, इसलिए अमेरिका ने भारत को वो रेयर प्रिविलेज दिया है जो वो अपने सबसे करीबी सहयोगियों को देता है। और अमेरिका के इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया था कि अमेरिका भारत को अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक मानता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अपने डिफेंस सेंटर यानी पेंटागन में भारत की एंट्री बेरोक टोक कर दी, यानी जिस बिल्डिंग में बड़े बड़े अमेरिकी अधिकारी भी नहीं जा सकते हैं उस बिल्डिंग में भारत की एंट्री कर दी गई है, जो करीबी सहयोगियों को दिया जाने वाला एक रेयर प्रिविलेज है। ये उस वक्त किया गया जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था और अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने वॉशिंगटन में एक बड़ी घोषणा कर दी थी। दरअसल अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें वहां पर मौजूद एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल ने बोलते हुए कहा था कि इंडिया हमारा सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है, लिहाजा अब इंडियन डिफेंस अटैचे को पेंटागन में बिना रोक टोक एंट्री मिलेगी। अटैचे किसी भी कंट्री के मिलिट्री एक्सपर्ट टीम को कहा जाता है जिसका रिलेशन डिप्लोमेटिक मिशन से होता है, और पेंटागन में इंडियन डिफेंस अटैचे को बेरोक टोक एंट्री देने का यह फैसला काफी बड़ा था। पेंटागन में जाना किसी अमेरिकी अधिकारी के लिए भी कितना बड़ा होता है दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद फ्रैंक कैंडल ने कहा था कि उन्हें भी पेंटागन जाने के लिए एस्कॉर्ट किया जाता है, यानी पेंटागन में जाने के लिए उनके साथ ही वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद अब इंडियन डिफेंस अटैचे बिना एस्कॉर्ट के ही पेंटागन जा सकेंगे और उन्हें कहीं भी रोका नहीं जाएगा। वॉशिंगटन पहुंचने के लिए सबसे टफ रास्तों में से एक इस बिल्डिंग की कहानी अपने आप में अलग है दोस्तों। ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।